बस बस आ जाओ गिरो मत, थारी आज्ञा। माइक लीजिए। हेलो। हेलो, कहाँ से आना हुआ भगवान? सर बेसिकली मैं एमपी से हूँ। एमपी से? हाँ जी। यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ मेरी शादी हो गई एक्चुअली। तो आप गुजराती हो गए? हाँ तो नजदीक आ जाइए। एक्चुअली ना मुझे डर भी लग रहा है, आप पता नहीं क्या क्या लिख दोगे, बट देखिए मैं बताती हूँ। हाँ शांति से बताती हूँ। मैं भगवान में बहुत मानती हूँ। हमको नहीं मानते? नहीं, आप मुझे अच्छे लगते हो। एंड मतलब अब भगवान को मानती हूँ, हनुमान चालीसा करती हूँ, शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। आपसे मिलने की इच्छा थी, बट ऐसा सोचती थी कि कैसे जाना होगा, कैसे कैसे, व्हाट इज़ द प्रोसेस। बट मैं वहाँ बैठ के झूठ नहीं बोलती, मेरा दिल बहुत साफ है। मैं वहाँ बैठ के यही बोल रही थी कि ये सब सेटिंग है क्या यार, बट आपने मुझे बुला लिया। मतलब आई एम रियली मतलब स्पीचलेस। ऐसे भी लोग गुजरात में पाए जाते हैं। सॉरी, आप बोल रहे थे ना कि अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अंधविश्वास नहीं करती। हम बोलते भी हैं कि अंध भरोसा करना भी नहीं चाहिए। नहीं बट मैं मतलब मैं एकदम वर्डलेस हूँ, कुछ नहीं बोल सकती। मेरी आपसे दो ही रिक्वेस्ट है, मुझे कुछ पूछना नहीं है, बस आपका बागेश्वर बाबा का इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरे घर में और मेरे ससुराल साइड पर अभी बहुत सारी बीमारियां चल रही है, तो सब सुखी से शांति से रहें बस। ठीक, और कुछ नहीं। और कुछ ना, एक्चुअली मैं सही बोल रही हूँ नहीं गलत बोल रही हूँ आई डोंट नो, बट कुछ बच्चे ना 3 बजे से वहाँ पे अपाहिज हैं, कब से बैठे हैं आपसे मिलने के लिए। तो सही बोल रहे हैं, वो तो गुरुजी की प्रेरणा से आपको उनको बुलाएंगे। और मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मुझे लाइफ में कोई तकलीफ नहीं है, बट अगर आपके बागेश्वर धाम में ऐसे फ्री में किसी की सेवा वेवा करनी हो ना तो मुझे बुला लेना आप। स्वागत। आप दरबार में बालाजी की कृपा पाने आई हैं, दोनों पक्षों का प्रश्न है, स्वास्थ्य निरोगता का आशीर्वाद है, नवचंडी पाठ करवा दीजिए। नवचंडी करा दूं ना? ठीक है, थैंक यू। और ये आपका मंत्र भी लिखा जो आप जप करते हो। हाँ मैं आऊंगी पक्का, बागेश्वर धाम भी आऊंगी। स्वागत। थैंक यू। क्योंकि हमको बहुत ना गुस्सा चढ़ती है जब कोई देखते हुए इग्नोर करता है और सब कुछ जानते हुए और शक्ति को समझते हुए जब कोई उंगली उठाता है तो आपने तब जिसके पास बंदूक होती है ना तो वो फिर कहता है कि आ जाओ सामना कर लो। थैंक यू सो मच। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, अब आपका तो नहीं बताएंगे सर, प्लीज नहीं बताएंगे पक्का। लेकिन आप जिन दो लोगों को लेकर आएंगे उनका पर्चा निकलेगा। अभी हम आप जिनको हम बुला रहे वो प्लांटेड हो सकते हैं जो कि आपने सोचा था। ठीक है, अब हम बिफोर टाइम पर्चा लिख कर रखेंगे, ठीक है, पहले से ठीक, और पर्चा को यहां बंद कर देंगे और आप इन लाखों लोगों में से जिनको लेकर आएंगे उसी का पर्चा निकलेगा और उसी के प्रश्न निकलेंगे।